हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीओएमईडी के यूगेट 2022 के बारे में। जी हां गाइस, आप लोगों का कॉमेट यूगेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कॉमेट यूगेट का फुल फॉर्म आपको बता दूं, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, इसका फुल फॉर्म है। ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है गाइस। इस एग्जाम के बेसिस पे आपको बीटेक कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है विद इन न्यूमेरियस इंजीनियर्स फैकल्टीज। अब गाइस यहाँ पे हम इसके हाईलाइट्स देख रहे हैं, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम डेट्स के बारे में। सो गाइस, आप लोगों की जो कॉमेट यूगेट 2022 की जो एग्जाम की डेट्स है, यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी आप लोगों के लिए डेट्स रिलीज करेगी, डेट्स अनाउंस करेगी, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को जो पूरी तरह से हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। तो भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम जो यहाँ पे मिड ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करेंगे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक है, इन वाली डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। किस तरह से एप्लीकेशन को बचाना है रिजेक्ट होने से वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। तो गाइस, आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम सबसे पहले बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक आपका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप लोगों को जो है अपना पेरेंट्स डिटेल्स फिल करना होता है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, एंड लास्ट में आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव होता है, लेकिन स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते और एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाता। तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेके टू फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। फीस की बात की जाए तो 1300 रुपीस, यानी कि 1300 रुपीस आपकी एप्लीकेशन फी है, प्लस जीएसटी चार्जेस अलग से लगेंगे। अब गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो गाइस अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको उसके लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड यूजी आर्किटेक्चर प्रोग्राम दोनों के लिए अलग अलग है। यूजी के लिए गाइस, यूजी इंजीनियरिंग के लिए आप 12th पास आउट रहने चाहिए, साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश चारों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहनी चाहिए, मिनिमम 45% आया रहना चाहिए, रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते तो 40%। यूजी एग्रीकल्चर के लिए बात की जाए तो आप जो है 10+2 आपका रहना चाहिए, या फिर 10+3 है, या फिर पीयूसी आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स कंपलसरी आपका रहना चाहिए, 45% मिनिमम, और अगर रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते तो 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स में आपके रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे 180 क्वेश्चन टोटल आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पूरा पेपर कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, हर एक सही आंसर पे 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा और गलत आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों में से 60-60-60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 60-60-60 मार्क्स, यानी कि 180 क्वेश्चन फॉर 180 मार्क्स। अब गाइस बात करेंगे सिलेबस की, तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वहां से कंप्लीट सिलेबस आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस एडमिट कार्ड पे। सो गाइस एडमिट कार्ड जो इसमें बेसिक सी डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, टाइमिंग, एग्जाम सेंटर का वेन्यू, ये सारी डिटेल्स दी रहती है। अब गाइस एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का
यहाँ पे कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है या किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा। सेम स्टेप को आपको फॉलो करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एंड सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट निकले तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप आसानी से अपना रिजल्ट डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को CUMEDK UGAI 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।